गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपने वर्कशीट नंबर 1 और 2 देखी। अब हम वर्कशीट नंबर 3 करेंगे। कौन सी करेंगे? वर्कशीट नंबर 3। बेटा, मैं ये वर्कशीट्स आपको इसलिए सॉल्व करवा रही हूँ कि आपको पेपर करते समय प्रॉब्लम नहीं आए, क्वेश्चन कभी समझ में नहीं आता है कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। तो बेटा, आपको वर्कशीट्स की घर पर बराबर से प्रैक्टिस करना है ना। क्या करना है आपको? सारी वर्कशीट की घर पे प्रैक्टिस करना है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, समान तुक वाले शब्द लिखिए। तो इसमें आप समान तुक होना चाहिए, जैसे रेल, जेल, खेल, है ना। एक ही मात्रा और ल, आप अपनी मर्जी से भी कोई शब्द लिख सकते हैं। सैर, पैर, खैर। फिर मिलाकर लिखिए, जेब, बैल। फिर एक ही मात्रा वाले 4 शब्द लिखिए। आपको एक ही मात्रा वाले कितने शब्द लिखना है? 4 शब्द। आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। मैं जो शब्द लिख रही हूँ सिर्फ आपके हेल्प के लिए है, सिर्फ आपको ये बताने के लिए हैं कि ये वाली एक्सरसाइज आपको कैसे करनी है। तो देखो, जेल, शेर, बेलन और बहेलिया। मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ कि आप शब्द चेंज करके भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे वाले शब्द ही याद करें। इसके बाद है, आई की मात्रा वाले 4 शब्द लिखिए, थैला, बैल, कैलाश और नैनीताल। समझ में आया आपको? ये सारी एक्सरसाइजेज आपको बुक से रिलेटेड और कॉपी से रिलेटेड हैं। फिर आप प्रश्न उत्तर भी याद करके रखेंगे। फिर से देखिए आप इन एक्सरसाइजेज को। समान तुक वाले शब्द लिखिए, रेल, जेल, खेल, सैर, पैर, खैर। फिर मिलाकर लिखिए, जेब, बैल। फिर एक ही मात्रा वाले 4 शब्द, जेल, शेर, बेलन, बहेलिया। फिर आई की मात्रा वाले 4 शब्द, थैला, बैल, कैलाश, नैनीताल। समझ में आया आपको कैसे आपको इन वर्कशीट्स को सॉल्व करना है? फिर से बता रही हूँ मैं, जिनके घर पे वर्कशीट्स आ चुकी हैं वो वर्कशीट में ही सॉल्व करेंगे। जिनके पास वर्कशीट नहीं पहुँची हैं वो बच्चे ये वर्कशीट पहले अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और फिर आंसर्स लिखने के बाद याद करने की और लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों, आज हमने वर्कशीट नंबर 3 कंप्लीट की। अब हम करेंगे वर्कशीट नंबर 4। वर्कशीट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है, ओ की मात्रा वाले 4 शब्द लिखिए। तो देखिए, तोता, मोर, समोसा, खरगोश। आप फिर मैं बता रही हूँ, शब्द चेंज करके भी लिख सकते हैं। सही स्थान पर औ की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। प में जब औ की मात्रा लग जाएगी तो ये क्या बन गया? पौधा। क में औ की मात्रा लग गई तो ये क्या बन गया? कौवा। फिर शब्द बनाइए, वैसे ही बनाना है आपको जैसे पहले बनाया था। यहाँ का एक लेटर लेंगे, यहाँ का एक लेटर लेंगे, तो ये क्या बन गया? शोर, मोर।
अच्छा अब देखिए, मौसी क्या लाई, आपको पहले चैप्टर खोल के लर्न करना है, औ की मात्रा वाले पार्ट में देखेंगे। मौसी क्या लाई, तो देखिए पार्ट में लिखा है मौसी कचौड़ी लाई, और जब भी आंसर लिखते हैं उसके बाद पूर्ण विराम जरूर लगाते हैं, है? और यहाँ लिखते हैं उत्तर, ठीक है। फिर से इस वाली वर्कशीट को चेक करेंगे, ओ की मात्रा वाले चार शब्द लिखिए, तोता मोर समोसा खरगोश, सही स्थान पर औ की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए, पौधा कौआ, फिर शब्द बनाइए शोर मोर, फिर क्वेश्चन है मौसी क्या लाई, मौसी कचौड़ी लाई। बेटा ये वर्कशीट आप घर पे बराबर से करने की कोशिश करेंगे, और फिर बार बार आप मम्मी से एक काम करेंगे, ब्लैंक पेपर पे वर्कशीट बना के आंसर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।